बाहुबली, RRR, KGF, पुष्पा, यहाँ तक कि जवान, इन सभी मूवीज का बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक अलग सा सिस्टम रहा है। बट अगर स्क्रिप्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रख दे, फिर भी दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो है इन सब के अंदर का लीड एक्टर और इन सब का डायरेक्टर। बिकॉज देखो, इंडिया में ज्यादातर मूवीज के लिए आधा थिएटर बनने का काम यही लीड एक्टर और डायरेक्टर ही करता है। जलवा है हमारा। खैर, टाइटल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में ऐसी चार एक्टर और डायरेक्टर की डुओ के नाम लेना चाहूंगा, जो अगर फ्यूचर में साथ में काम कर लिए तो यार बॉक्स ऑफिस का जितना भी बड़ा नंबर है ना, सब के सब मिथ लगेंगे। I always feel that 90s वाला शाहरुख खान, if you can get it now, then sky is the limit। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉलीवुड की किंग, मतलब कि किंग खान, SRK से, विद एस शंकर। तो एस शंकर कौन है अगर आपको नहीं पता, तो इन्होंने ही अपरिचित, रोबोट, रोबोट 2.0, इंडियन आई, शिवाजी द बॉस और ना जाने कितने सारे ब्लॉकबस्टर या फिर कह सको मास्टरपीस मूवी बनाई है। बट फिर भी इन दोनों को साथ में रखने का जो मेन रीजन है वो है इन दोनों का थिंकिंग। बिकॉज ये दोनों ही हमेशा ऐसी चीजें करने को ट्राई करता है जो आज तक इंडियन सिनेमा में किसी ने नहीं किया। तो जस्ट इमेजिन करके देखो कि कोई साईफाई मूवी के लिए लोग दोनों साथ में आ गए और उसमें एस शंकर का विजन, रेड चिलीज का VFX और CGI और शाहरुख खान का एक्टिंग परफॉर्मेंस और उसका फैन फॉलोइंग, यार बवाल मच जाएगा। खैर, अभी के दिनों में बवाल सुनते मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, वो है SS राजामौली, और उनके साथ कौन सा एक्टर काम नहीं करना चाहेगा। बट मैं जिनको उनके साथ देखना चाहता हूँ वो है ऋतिक रोशन। हाँ, पता है पास्ट में राजामौली सर ने ऋतिक रोशन के बारे में कुछ ऐसा कह दिया था जो अभी रिसेंटली में उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दिया कि उनका कोई खराब इंटेंशन नहीं है और वो दिल से बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। ऊपर से बीते हुए वक्त में ऋतिक रोशन ने भी बाहुबली को ठुकरा दिया, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर वो नहीं ठुकराते तो आज इंडियन सिनेमा का हाल कुछ अलग ही होता। क्योंकि देखो, SS राजामौली अपने काम को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, दी परफेक्शनिस्ट बोला जाता है उनको, और ऋतिक रोशन अपने काम के लिए बहुत ज्यादा लॉयल तो है ही, और ऐसी कोई चीजें है नहीं जिसमें आप ऋतिक रोशन को बेस्ट ना कह सको। तो बस एक बार सोच के देखो कि कहीं ये लोग दोनों साथ में कोई मूवी बना लिया तो भाई क्या होगा थिएटर का। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि SS राजामौली और महेश बाबू की अपकमिंग मूवी में ऋतिक रोशन एज ए एंटागोनिस्ट दिखने वाले हैं, इसका र्यूमर बहुत ज्यादा फैला है। मगर ये सभी बस र्यूमर है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब अगर र्यूमर की बात छिड़ी चुकी है तो इस डुओ को कैसे मिस कर सकते हैं, द मोस्ट डिमांडेबल डुओ, सलमान खान विद संदीप रेड्डी वेंगा। हाँ, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने भी ये र्यूमर सुना होगा कि लोग दोनों साथ में कोई मूवी के लिए काम करेंगे। मगर मस्ती मस्ती में अगर ये चीज सच हो गई ना तो भाई, I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details. क्योंकि देखो, संदीप रेड्डी वेंगा की मूवीज में जो लीड एक्टर होते हैं, मतलब प्रोटागोनिस्ट, वो थोड़े सिग्मा टाइप के होते हैं, और हमारे इंडिया में सिग्मा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऑब्वियसली सलमान खान। तो जस्ट एक बार सोच के देखो कि अगर ये लोग दोनों एक बार साथ में आएंगे तो भाई क्या हालत होगा इंडियन सिनेमा की, धड़ाधड़ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर एक दिन नया नया कॉन्ट्रोवर्सीज होगा जिसको रजत दलाल भी सुलझा नहीं पाएगा, और पब्लिक इस मूवी को देखने से पहले ही मास्टरपीस घोषित कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी डुओ जो इससे पहले दो बार साथ में आ चुके हैं, तो मैं बात कर रहा हूं विजय तालापति विद लोकेश कनगराज। अब लोकेश कनगराज मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर में से एक है, और विजय थालापति तो खैर विजय थालापति है, उनका फैन फॉलोइंग कितना बड़ा और कितना क्रेजीनेस है उसको एक्सप्लेन करने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। बट ये फैन फॉलोइंग पहले सिर्फ साउथ इंडिया में ही सीमित था, मगर अभी पूरी इंडिया, पूरी दुनिया भर में फैल चुका है। क्योंकि आज से 1.5 साल या 2 साल पहले कोरोना के वक्त में, जब थिएटर बस आधा भर रहे थे, कोई भी मूवी कितनी भी अच्छी हो कमाई के मामले में फेल हो जा रहे थे और हर मूवी मेकर को डर लग चुका था। मगर उसी वक्त एक मूवी आई मास्टर, जिसने आधे थिएटर से भी पूरा बॉक्स ऑफिस भरा। बट फिर भी इस डुओ का सबसे टॉप में रखने का रीजन क्या है, तो पहला रीजन तो देखो ये मेरी लिस्ट है और ऑब्वियसली मेरी फेवरेट सबसे टॉप में रहेगी, और दूसरा सबसे मेन रीजन जो है कि थालापति विजय ने कंफर्म कर दिया कि फ्यूचर में 2 या 3 मूवी करने के बाद वो अपने एक्टिंग करियर से पूरी की पूरी रिटायर ले लेंगे, और लोकेश सर के साथ भी कोई मूवी आएगा भी या नहीं इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर प्रोबेबली ये लोग दोनों साथ में एक बार काम कर दिए तो वो आखिरी होगा। तो अब मेरे भाई, अगर अपने क्रश के लिए इंतजार करने से वो मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर इस डुओ के लिए तुम इंतजार करोगे तो भाई अंत में सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। खैर, हॉलीवुड के अंदर ये 2 लेजेंड भी है जिसको मैं फिर से एक साथ काम करते हुए देखना चाहूंगा, और मैं इसी तरह मूवीज और सीरीज के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आपको इस तरह वीडियो देखना पसंद है, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।